आज हमारे साथ बाबा धीरेन्द्र शास्त्री पर आरोप लगाने वाले अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के उपाध्यक्ष श्याम मानव के साथ कई दूसरे मेहमान मौजूद है। बहस का सिलसिला शुरू करें उससे पहले जान लेते हैं आज का अपडेट क्या है और आज हम ये बहस क्यों कर रहे हैं। आज बड़ी बहस इसलिए हो रही है क्योंकि बागेश्वर धाम सरकार के धीरेन्द्र शास्त्री ने चुनौती स्वीकार कर ली है, क्योंकि धीरेन्द्र शास्त्री की शक्तियों के चमत्कार पर अब सबकी नजर है, लेकिन वो कहते हैं वो चमत्कार करते ही नहीं, क्योंकि बाबा ने चैलेंज स्वीकार कर लिया है तो क्या अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति पीछे हट रही है, क्योंकि रायपुर के बजाय नागपुर दरबार में ही दावा साबित करने की शर्त रखी गई है। करेंगे हर उठते सवाल पर बहस, लेकिन सबसे पहले आज का अपडेट देख लेते हैं। सर में मारो उसके, पपड़िया में मारो उसके, चमिका आदेश है। कोई नेगेटिव एनर्जी कहता, कोई उसे प्रेत बाधा, कोई संकट बाधा कहता और कोई उसे नकारात्मक ऊर्जा कहता, पर है तो एक ही। प्रेत रोगियों को आने दो। नागपुर के पत्रकारों के आगे और एक पंच कमेटी के आगे ये पूरी चुनौती की प्रक्रिया पार पड़ेगी, दो बार ये प्रक्रिया की जाएगी। आके सीधा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, दुनियादारी का ना हमारा टाइम बर्बाद करें, बुढ़ापे में उनको और दिमाग खराब हो। चमत्कार अगर भगवान जी करते हैं तो भगवान जी तो भक्तों के सामने करेंगे ना, आप बीच में क्यों हैं? आप क्या एजेंट है? ये चुनौती की प्रक्रिया नागपुर में ही कंडक्ट होगी और किसी दूसरी जगह पर कंडक्ट नहीं होगी। कहां तुम और हैरान हो, उनसे कह दो कि आ जाओ भैया, किराया खर्चा हमसे ले लो, हमें ज्यादा इन सब में लफड़ों में पड़ने में मजा नहीं आता। धर्म के खिलाफ नहीं, भगवान के खिलाफ नहीं, लेकिन धर्म और भगवान के नाम पर जो ठगी होती है उसके खिलाफ हम हैं। किसी से दक्षिणा लेते नहीं है, मांगते नहीं है, कोई कथा की दक्षिणा जरूर लेते हैं क्योंकि अन्नपूर्णा चलाते हैं। जाते आज चले जाते और सच दूध का दूध पानी का पानी कर देते। दीपक जी, आप कई सालों से पत्रकार हैं, मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं। नागपुर में 7-8 तारीख को दिव्य दरबार लगा, उसका वीडियो बाबा की ही ओर से प्रसारित हुआ है। अपने एक भक्त को उन्होंने पूछा, तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है? भक्त कहता है, मेरे पिताजी का नाम शंकरलाल है। थोड़ी देर बाद बाबा माइक पर बोलते हैं, पहली बात माइक पर नहीं बोलते, दूसरी बात माइक पर बोलते हैं, तुम्हारे पिताजी का नाम शंकरलाल है, बोलो माइक पर बोलो, नहीं तो तुम्हारे सारे कान खोल देंगे। बेचारा डर के मारे बोलता है, मेरे पिताजी का नाम शंकरलाल है। आभास निर्माण किया जाता है कि बाबा जी ने पहचाना उनके दिव्य शक्ति से, इनके पिताजी का नाम शंकरलाल है। ये उन्हीं के प्रसारित वीडियो पर है। ये बात रायपुर में होने के बाद आप वहां खड़े होकर बोल सकते हो 1,00,000 लोगों के सामने कि बाबा इस ढंग से ठग रहे हैं? क्या होगा बोलोगे तो? आप पत्रकार हो, मैं पत्रकार रहा हूं दीर्घ समय, ये लोगों की भावनाओं का सवाल होता है। ऐसे खुले दरबार में 50-60 हजार लोगों के भीड़ के सामने ऐसी वैज्ञानिक चुनौती कभी सिद्ध नहीं हो सकती है। चुनौती की ओर से हम अमल में ला रहे हैं, हजारों बाबाओं का, मांत्रिकों का इस ढंग से हमने भंडाफोड़ किया है, उनको एक्सपोज किया है। चुनौती की प्रक्रिया नागपुर के सभी पत्रकारों के सामने एक खास पंच मंडल के आगे, ये पंच कमेटी जो होगी वो तटस्थ होगी, ना हमारी होगी ना उनकी होगी, इसमें शायद रिटायर्ड जजेस भी होंगे, और उनके सामने ये चुनौती पारित की जाएगी। इसमें हमें ये देखना होगा कि बाबा को कोई भी जानकारी, ये कमेटी कौन चुनेगा श्याम मानव जी? ये जिम्मेदारी हम बीच के लोगों को देंगे, पत्रकार संघ के अध्यक्ष को दे देंगे नागपुर के, वो तटस्थ है बहुत ही, न्यूट्रल जगह हो जाए, क्यों ना एक न्यूट्रल जगह हो जाए, नागपुर का आग्रह क्यों, मुझे बताइए। और मैं आपको नागपुर का वो वीडियो भी है वो भी दिखाऊंगा, इसलिए ठीक है ठीक है। अच्छा, मैं नागपुर का वो वीडियो, मैंने स्पेशली आपका दोपहर में इंटरव्यू देखने के बाद वो वीडियो निकाला है, अभी रोकिए उसको, उसको चलाएंगे ऑडियो के साथ। श्याम मानव जी ने क्या कहा है उस पर श्याम मानव जी वीडियो देख कर क्या कहते हैं देखते हैं, बताइए। सर माइक लो, माइक उठो, कहाँ से? नागपुर। यहाँ बैठो। नागपुर के? नागपुर में कहाँ रहते? शांति नगर। ऐसा करो मुंह ताकि तुम्हारा कैमरा में आ जाए, आदमी भी देखे ककू आओ तुम। हाँ, आपने यहाँ किसी को नाम बताया था? नहीं तो हमें कैसे पता लग गया? किसी ने पूछा तुमसे नाम? किसी को तुमने परिचय दिया क्या? नहीं। किसी कार्यकर्ता को तो नहीं दिया? नहीं दिया। फिर कैसे पता लग गया? गुरु जी की कृपा। पहले नंबर तुम्हारी का अर्जी लगी, लफड़ा है कुछ, तुम कबाड़ी आदमी हो। हाँ। बोलो सीताराम। सीताराम।
हमने लिख लिया। पूछो क्या बात। आपके पिताजी का नाम क्या है? शंकरलाल जी। नजदीक आइए। शंकरलाल परेशान, पढ़ते जाना, जाना समझ में आ टोक देना। परेशान, आर्थिक तंगी, काम धंधा की मूलता समस्या बनी रुकावट है, पत्नी बीमार है। आप दरबार में देखने आए थे कि सत्य क्या है, हकीकत क्या है। उसका प्रमाण यह है कि आपका नाम शायद बुलाया, पिता शंकर लाल आपके हैं। सही है। माइक से बोलो, यही बोल रहा है पर्चा? हाँ, पर्चा यही बोलो। सॉरी सॉरी, नहीं तो हमें तुम्हारे और कांड खोल ले। तो सॉरी सॉरी। श्यामानंद जी, आपने इसका वीडियो देखा था क्या? जी वीडियो देखकर ही मैं बात कर रहा हूँ, और अभी भी देखकर बात कर रहा हूँ जी। तो अभी जो क्या इम्पैक्ट आया दिखाया, वो लिखा हुआ पर्चा है। सुनिए सुनिए, अभी शांति से एक मिनट श्यामानंद जी सुनिए, शांति से सुनिए आप जी। इम्पैक्ट क्या आया? श्यामानंद जी, मैं इम्पैक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ। आपने कहा कि फादर का नाम पूछा और बाद में बोला बोलो यही नाम है, नहीं बोला उन्होंने? जोर से बोला है वहां पर? ना ना ना, उन्होंने लिखा हुआ पर्चा मेरे वीडियो में है कि देखो हमने तुम्हारा नाम भी लिख दिया, तुम्हारे पिताजी का नाम भी लिख दिया। लिखा हुआ पर्चा दिखाया उन्होंने। हाँ तो पर्चे के आधार पर लिखा ना? नहीं ना, मैं कोई उनका पक्ष नहीं ले रहा हूँ। उन्होंने फादर का नाम जब तक पर्चा नहीं लिखा तब तक नहीं पूछा, और वो पर्चा दिखाते हुए बोल रहे पढ़ो अपने बारे में। हाँ तो आप क्या, ठीक है, आप इंप्रेशन क्या देना चाहते हो? मैं कि कोई पहले से नहीं देना चाहता हूँ, मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूँ। उनको पहले से पता चला है? मुझे नहीं पता। मैं लोगों पर क्या इंप्रेशन आता हूँ उसकी बात कर रहा हूँ। मैं इंप्रेशन की बात ही नहीं कर रहा। वो जो फादर का नाम पूछ रहे तब तक वो पर्चे पर सब कुछ लिख चुके हैं, और उन्होंने उस शख्स को वो लिखा हुआ पर्चा दिखा रहे हैं, पिता का नाम उन्होंने उस पर्चे पर लिखा हुआ है। एक लॉजिकल सवाल आपसे पूछ रहा हूँ कि आपने जो दावा किया, क्या आपने वीडियो देखा था कि क्या वीडियो में है? जी वीडियो देखा है, वो शब्द वो है, पूरी की पूरी लंबी लाइन केवल मैंने रखी नहीं है। वो ये इम्प्रेशन क्रिएट करते हैं कि पहले से अपने पर्चे पर जो नाम लिखा है वो पहले से जानते हैं, जबकि उन्होंने खुद पूछा है तुम्हारे पिताजी का नाम शंकरलाल है, ये पूछने तो की क्या आवश्यकता है? जब पर्चा लिख चुके हैं वो, यही तो इम्प्रेशन वो क्रिएट कर रहे हैं ना कि पहले से पर्चा लिख कर रखते हैं। मेरा सिंपल सवाल आपसे है, पर्चा अगर आपने पहले से सब लिख कर रखा है तो शंकरलाल जी आपके पिताजी का नाम है, पूछने की आवश्यकता क्या है? लिखने के बाद दिखा रहे हैं उसको वो सीधी से, शंकरलाल क्यों पूछ रहे हैं वो सीधा? अच्छा, ये क्यों नहीं कह रहे कि तुम्हारे पिताजी का नाम शंकरलाल है, तुम्हारा ये नाम है, ये सब बोला फला है? आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने के लिए सक्षम है, समर्थ है, मैं आपको सालों से जानता हूं, मैं इस पर कोई आर्गुमेंट नहीं करूंगा। दर्शक डिसाइड करें कि किसका पलड़ा यहां पर भारी है, ना बाबा के समर्थन में हूं, ना मैं श्याम मानव जी को समर्थन में हूं, मैं एक एंकर हूं और सवाल पूछना मेरा काम है।